अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, हमारा थर्ड लेक्चर है और हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, हम फर्दर मूव ऑन करेंगे। सर, हम फर्दर कहाँ मूव ऑन करने वाले हैं? हमने अपने अगर लास्ट लेक्चर की अगर मैं आपको जरा स्लाइड्स और पिक्स दिखाऊं, तो अगर मैं आप लोगों को जरा अपनी लास्ट लेक्चर की स्लाइड और पिक्स दिखाऊं, तो जहां तक मुझे याद है और आपको भी याद होना चाहिए कि भाई हमने डेबिट और क्रेडिट के बारे में जरा समझा था, सही है? और जहां तक मुझे रिकॉल हो रहा है, शायद लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़े से वॉइस इश्यूज भी थे, तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर आपको वॉइस इश्यूज इतने नहीं मिलेंगे जितने आपको उस लेक्चर में मिले थे। लेकिन हाउएवर, हम अभी लेक्चर नंबर 2 थोड़ा रिवाइज करते हैं ताकि आप लोगों को, मतलब आप लोगों को थोड़ा रिदम बन जाए, और उसके बाद हम आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को 2 सवाल दिए थे, तो होमवर्क के तौर पर आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, सही है? वो 2 सवाल कौन से थे? वो 2 सवाल ये रहे। अच्छा, ये 2 सवाल है, इन 2 सवालों को भी हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली जो हमारे अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं जो कभी हम सवालों के थ्रू सॉल्व करेंगे, सही? तो यही हम आज के उसमें करने वाले हैं। अब हम जरा आते हैं। सही, तो डेबिट एंड क्रेडिट, मैंने आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट के बारे में क्या बताया था? मैंने आप लोगों को डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में क्या बताया था? सर, आपने हमें बताया था कि ये लैटिन वर्ड्स है, ये अतालवी जबान का अल्फाज है, सही है? और डेबिट एंड क्रेडिट एक अकाउंटिंग, जिस तरह कंप्यूटर के कोड होते हैं, जिस तरह कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है, उनसे उस प्रोग्राम के जो सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, इसी तरह अकाउंटिंग के कोर्स डेबिट एंड क्रेडिट है, सही है? मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अमूमी तौर पर लोग कहते हैं कि भाई व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। ये कॉन्सेप्ट नहीं है डेबिट एंड क्रेडिट का। डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग कोड्स है। इन कोड्स को अगर हम समझ लेंगे, हम जहन नशीन कर लेंगे, तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हमारे लिए आसानी हो जाएगी किस चीज में? रिकॉर्डिंग में, समराइजेशन में, सॉरी रिकॉर्डिंग में, क्लासिफिकेशन में, समराइजेशन में, जो कि क्या थी? अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी। मैं आपको फिर से दिखाता चलता हूँ। हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी थी कि उस डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या है कि भाई अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा आर्ट है जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं और जहाँ पे हम समराइजेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, इन 3 स्टेप को फुलफिल करने के लिए अकाउंटिंग कोड्स आए, डेबिट एंड क्रेडिट, सही है? उन अकाउंटिंग कोड्स को हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर समझा, सही है? उन अकाउंटिंग कोड्स को हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर समझा, और लेक्चर नंबर 2 में मैंने कुछ सवाल भी खुद से ड्रॉ करा कर लोगों को समझाए थे। तो आज इंशाल्लाह हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, सही? चले, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम अभी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हम अभी कंटिन्यू करते हैं। फिर मैंने आपको डेबिट एंड क्रेडिट के रूल समझाए थे कि भाई कि डेबिट के क्रेडिट के रूल्स क्या है, कि भाई जब एसेट इंक्रीज होगा आपने इसको डेबिट करना है, जब एसेट डिक्रीज होगा आपने इसको क्रेडिट करना है, जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा आपने इसको क्रेडिट करना है, जब रेवेन्यू डिक्रीज होगा आपने इसको डेबिट करना है। तो जो रूल्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने एक टेबल बना के लिख दिए। तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग इस रूल को दिमाग में जहन नशीन कर ले। अगर आपको ये रूल्स याद नहीं है तो फिर लेक्चर नंबर 3 यानी आज का लेक्चर आपको फर्दर समझ में नहीं आएगा, सही है? क्यों सर, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आज के लेक्चर में मतलब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रहे हैं। अभी तो मैं आपको थोड़ा रिवीजन रिकॉल करवा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि डेबिट इक्वल्स टू हमेशा क्रेडिट होगा। सर, ये कैसे होगा? मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, तो ट्रांजेक्शन के 2 पहलू होते हैं, सही है? एक पहलू होता है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल आप दुकान में गए, आपने दुकान से मतलब आप किसी कार शोरूम में गए, एग्जाम्पल और सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम एग्जाम्पल और सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप किसी का कोई गाड़ी खरीदने गए, जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आप पैसे देंगे और गाड़ी लेंगे, जब आप पैसे देंगे और गाड़ी लेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जगह आपका जो कैश है, कैश कैश एक एसेट है और एसेट वो कम हो रहा है, सही है? तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया। और दूसरी जगह उस एसेट के बदले आपको एक गाड़ी मिल रही है, वो गाड़ी आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगी मोर देन 1 ईयर, यानी वो एक नॉन करंट एसेट है। तो एक आपके पास एसेट आ रहा है तो आपने उसको डेबिट कर दिया, एक आपके पास एसेट जा रहा है आपने उसको क्रेडिट कर दिया। दोनों सेम इक्वल अमाउंट से होगा, तभी मैं कहता हूँ डेबिट इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, सही है? अकाउंटिंग साइकिल आज की क्लास में आपको थोड़ा सा
वो दूंगा ब्रीफिंग, जनरल एंट्री सर मेन काम कर रहे थे, मतलब जनरल एंट्री सर क्या जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर समझाए थे अपने एग्जांपल्स बना के, आज हम उनको इन पर समझाते हैं, आज हम उसको फर्दर आगे लेके जा रहे हैं। फर्दर किस तरह आगे लेके जा रहे हैं, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था अगर आपने उसको ट्राई किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो वही होमवर्क मैंने आप लोगों के लिए वर्ड में लिख दिया है, सही है। अभी हम इस होमवर्क को समझेंगे क्योंकि ये जो सवालात हैं, सवालात के अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, सही है। वो कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल हो जाएंगे लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 2 से और अच्छी तरह अगर हम सवालात को सॉल्व करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, सही है। और इसके अंदर मैंने लिखा भी है, इसके अंदर न्यू कॉन्सेप्ट मौजूद है इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। आप लोगों ने ट्राई किया है तो इट्स अ गुड थिंग, अगर नहीं किया तो साथ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग, मैं खुद कराऊंगा आप लोगों के साथ, और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को जरा ट्राई करने को टाइम दूंगा कि आप लोग इसे जरा खुद से जरा ट्राई मार ले, ओके। अच्छा, मिस्टर जहीर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। सर मिस्टर जहीर एक बंदा है जिसने क्या इन्वेस्ट किया, कैश। मिस्टर जहीर एक बंदा है जिसने क्या इन्वेस्ट किया, कैश। जब भी एक ऑनर अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है, मैंने आप लोगों को क्या समझा था, वो क्या होगा, कैपिटल, सही है। अच्छा, कैपिटल एक लायबिलिटी ही है, लेकिन ये लायबिलिटी चूंकि ऑनर की तरफ से आई है, हम इसे लायबिलिटी नहीं कहेंगे, उसको नाम क्या देंगे, कैपिटल का। तो सर इसकी फिर एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री जो बनेगी हम साथ में लिखते हैं, कैश डेबिट, कैश रुपीस 90,000, डेबिट कैपिटल रुपीस 90,000, क्रेडिट। तो ये एंट्री हमने आज की क्लास में आप लोगों के सामने पहली एंट्री हमने बना के रख दी, यही एंट्री मैंने लेक्चर 2 में भी समझाई थी, अब मैंने आप लोगों को फिर से देखा दी ताकि आपको रिकॉल हो जाए। यहाँ पे दरअसल हुआ क्या है, कैश आया है 90,000 से और कैपिटल बढ़ा है 90,000 से, सही। आगे बढ़ते हैं, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी सवाल के अंदर आप लोगों को बताया जाए कि हमने कोई ट्रांजेक्शन किया है ऑन अकाउंट, तो ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का जो मतलब होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन दो किस्म की होती है, ट्रांजेक्शन इन कैश भी हो सकती है, ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, सही है। तो अब उन्होंने ऑन अकाउंट लिख दिया है तो फिर ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी आपने सामान खरीदा है अपने सप्लायर से, लेकिन आपने जो सामान खरीदा है आपने उधार पे खरीदा है, आपने अपने सप्लायर से सामान उधार पे खरीदा है। तो सर इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री हम बनाते हैं। अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पे आपने परचेजेस की है, आपने यहाँ पे परचेजेस की है, और जब परचेजेस बढ़ते हैं उसे क्या करते हैं, डेबिट। हमने अकाउंटिंग रूल्स के अंदर पढ़ा था कि भाई इंक्रीज इन परचेजेस क्या होगा, डेबिट, वो एक डेबिट ट्रांजेक्शन है, सही है। तो आ जाइए इसको जरा हम पे लिख देते हैं, यहाँ पे परचेजेस रुपीस 30,000, डेबिट। अब चूंकि मैंने जो सामान खरीदा है वो मैंने एक क्रेडिट पे खरीदा है, मैंने एक किस्म से खाते पे खरीदा है ना, मैंने उसके पैसे नहीं दिए, मैंने उधार पे खरीदा है, तो ये मेरी एक लायबिलिटी है। अच्छा, अब ये लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है, एक ऐसी लायबिलिटी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा किताबें बेचने का कारोबार है और मैंने किताबें ही खरीदी अपने सप्लायर से उधार पे, उन किताबों को ही जाके बेचूंगा, तो इस लायबिलिटी को मैं नाम क्या दूंगा, अकाउंट पेबल। आपकी हर वो लायबिलिटी जो कि परटेन करती हो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से, जिस तरह मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में समझाया था, इस तरह यहाँ पे फिर से रिपीट करता जा रहा हूँ, आपकी हर वो लायबिलिटी जो कि आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेट करती हो, मेरा कारोबार है किताबें बेचने का, मैंने उधार पे किताबें खरीदी और मैं उसको जाके बेचूंगा, तो जो मैंने किताबें खरीदी है वो उधार पे खरीदी है, खरीदा क्या है, किताबें खरीदी है, किताबें मैं रोजमर्रा बेचता हूँ, मेरा कारोबार है। तो इस किस्म के लायबिलिटी को मैं नाम क्या दूंगा, अकाउंट पेबल। तो अकाउंट पेबल क्योंकि लायबिलिटी है और लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई है, तो उसको मैं नाम, तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड। सर ये कहाँ लिखा है, ये अकाउंटिंग कोर्स में लिखा है, सही है। और शायद मैंने इस टेबल में मेंशन नहीं किया था, लेकिन आप लोग याद रख लीजिए, फिर से आपको रिपीट करना चाहूँ कि इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी इज ऑलवेज डेबिटेड।
क्रेडिटेड मतलब क्रेडिट, डेबिटेड मतलब डेबिट। अच्छा, तो अकाउंट पेबल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 30,000 से। सही से यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, आप लोगों को मैं एक दो सवाल और क्लियर कराता चलूं। जो भी लाइबिलिटी आप परटेन करती हो, जिस लाइबिलिटी का ताल्लुक आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से होगा, सही है, जिस लाइबिलिटी का ताल्लुक आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से होगा, आपने उसको अकाउंट पेबल कहना है। और अकाउंट पेबल कह सकते हैं आप उसे, या आप उसे कह सकते हैं ट्रेड क्रेडिटर, सही है, इसके दो नाम। तो कंफ्यूज ना हो जाइएगा, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इस्तेमाल करते हैं अकाउंट पेबल। सही सर, हमें समझ आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश। मैंने इक्विपमेंट खरीदा है पैसे दे के, यानी मैंने कोई मशीन खरीदी हुई, कोई इक्विपमेंट खरीदा है उसके बदले, मतलब कैश पे खरीदा है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। अब इक्विपमेंट तो एक एसेट है, इक्विपमेंट एक एसेट है, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जब ये एक एसेट है, और जब ये एक एसेट है, सही, तो फिर जब एसेट बढ़ता है तो उसको मैं डेबिट करता हूँ, और चूंकि मैं कैश दे रहा हूँ तो कैश भी एसेट है, तो मेरे पास एक एसेट कम हो रहा है, मेरे पास एक एसेट कम हो रहा है और एक एसेट बढ़ रहा है, सही। तो जब एसेट कम हो रहा है मैं उसको क्या करूंगा, क्रेडिट, और जब एसेट बढ़ रहा है मैं उसे क्या करूंगा, डेबिट। सर हमें समझ आने लग गया है आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें और उसको थोड़ा क्लियर करें, और क्लियर होगा वक्त के साथ साथ होगा। तमाम चीजें अगर मैंने आज बता दी तो आप डर के मारे भाग जाएंगे क्लासेस से, सही है। तो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 4 में आपको और क्लियर हो जाएगा, लेक्चर 5 में क्या पता आप उस्ताद बन जाओ, खुद ही करने लग जाए सवाल आपके ऊपर, सही है। लेकिन हम पे न्यू न्यू जर्नी, न्यू न्यू सवाल करेंगे, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो उससे आपको और क्लियर होगा। तो एंट्री नंबर 3 हम बनाते हैं, सही है। हमने एसेट खरीदा है, उस एसेट का नाम क्या है, इक्विपमेंट, तो मैं इक्विपमेंट डेबिट कर देता हूं, इक्विपमेंट ₹25,000 डेबिटेड, और मैंने कैश पे खरीदा है तो कैश ₹25,000 क्रेडिटेड। सर समझ में आ गया। अच्छा, अब जो ये ट्रांजेक्शन नंबर जो 4 है, ट्रांजेक्शन नंबर 4, आपने अभी अपने दिमाग को ओपन रखना है, सही है, ओपन माइंड रहना है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 के लिए कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को कन्वे करवाना है, सही है। वो कॉन्सेप्ट क्या करना है, आप लोगों को कन्वे कराना है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या कह रहा है, सोल गुड्स ऑन अकाउंट, फिलहाल यहाँ तक पढ़ लो, सोल गुड्स ऑन अकाउंट, यानी आपने जो सामान खरीदा था, सही है, आपने जो सामान खरीदा था 30,000 तक का आपने सामान खरीदा था, उस 30,000 में से आपने 19,000 तक का सामान बेच दिया है, उस 30,000 में से आपने 19,000 तक का सामान खरीद बेच दिया है। सर क्लियर नहीं हुआ, देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या था, आपने 30,000 का सामान खरीदा था, सही है, उस 30,000 में से आपने 19,000 का सामान बेच दिया है, ओके, वो भी क्या थी, कॉस्ट थी, ये जो 30,000 था ये क्या था, कॉस्ट था, ये जो 30,000 था, हाईलाइट करा देता ना कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, आपने 30,000 का सामान खरीदा था, सही है, ऑन अकाउंट, जिसको आपने अकाउंट पेबल कह दिया, आपने इस 30,000 का जब सामान खरीदा था, सही है, उस 30,000 में से आपने 19,000 का बेच दिया। अच्छा, वो 19,000 का सामान आपने कितने पे बेच दिया, 23,000 में। यानी अगर मैं देखूं, अगर मैं आप लोगों के सामने छोटी सी एक इक्वेशन बनाऊं कि भाई सेल माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू प्रॉफिट, तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों का प्रॉफिट चेक करूं तो क्या है, सेल की अमाउंट क्या है, सेल की आपके अमाउंट है 23,000, आपने 19,000 का सामान 23,000 में बेचा है, आप इसमें से 19,000 काट दे, जो बकिया बचा क्या बचा, 20, 21, 22, 23, 4,000, सही है, तो 4,000 तक का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट, ये क्या है आपका प्रॉफिट। सर इस प्रॉफिट को क्या हम सिर्फ प्रॉफिट कहेंगे, नहीं, ये इसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। सर ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कहेंगे ये बताएं, वक्त के साथ साथ बताऊंगा, सही। तो फिलहाल मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको
कन्वे करना है, कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट मैंने कन्वे करवाना है आप लोगों को, सही है? अच्छा सर बताएं, आपने 19,000 का सामान बेचा है 23,000 में, और जो सामान आपने बेचा है आपने उसको ऑन अकाउंट बेचा है, तो फिलहाल आप यहां तक पढ़ ले, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट रुपीज 23,000, एंट्री क्या बनेगी? अच्छा एंट्री क्या बनेगी? तो आपने जो सामान बेचा है 23,000 का, वो आपने उधार पे बेचा है, आपने सामान उधार पे बेचा है, यानी आपको अभी तक पैसे रिसीव नहीं हुए। जब आपको पैसे रिसीव नहीं हुए हैं तो वो यानी आप रिसीव करोगे, आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो ये आपका एसेट हुआ, ये आपका एसेट हुआ, फ्यूचर में आपको पैसे मिलेंगे, तो जब पैसे मिलेंगे कैश मिलेंगे वो आपका एसेट हो गया, जब वो आपका एसेट हो गया यानी आपका एसेट बढ़ गया, सही है? अच्छा सर इस एसेट को हम नाम क्या दें? इस एसेट को हम नाम देंगे अकाउंट रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि आपने उधार पे सामान बेचा है, आपने अकाउंट एक खोला है, आपने ऑन अकाउंट ट्रांजेक्शन की है, और रिसीवेबल मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप रिसीव करोगे, आप रिसीव करोगे, आपने अभी तक रिसीव नहीं किया है। सर एंट्री बना लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल रुपीज 23,000 डेबिट। अब जब मैंने सामान बेचा है तो मैंने किस्म से सेल की है, जब मैंने सामान बेचा है तो मैंने किस्म से सेल किया है, चाहे मैं उसको सेल करूं चाहे मैं इसको रेवेन्यू करूं, ये एक ही बात है, मेरा किताबें बेचने का कारोबार है, मैंने किताबें अगर बेचता हूं, अगर मैं किताबें बेचता हूं तो उसको मैं रेवेन्यू कहूंगा, सही है? तो मैंने एक किस्म से एक अपनी किताबें बेची है ऑन अकाउंट खाते पे क्रेडिट पे, जिसके पैसे मुझे रिसीव होंगे, उसको मैंने क्या नाम दे दिया उस डेबिट साइड को? अकाउंट रिसीवेबल। अब हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, तो मैंने एक पहलू डेबिट साइड तो रिकॉर्ड कर लिया, सब क्रेडिट साइड क्या हुआ? तो सब क्रेडिट साइड होगा रेवेन्यू, क्योंकि मैंने अपने कंपनी की, मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन की सेल बढ़ाई है, रेवेन्यू बढ़ाया है, तो इसका दूसरा पहलू का नाम क्या होगा? रेवेन्यू। और जब इंक्रीज इन रेवेन्यू होगा आप लोगों ने हमेशा उसको क्रेडिट करना है, तो रेवेन्यू रुपीज 23,000 क्रेडिट। सब क्या है, ट्रांजेक्शन खत्म हो गई? नहीं नहीं खत्म नहीं हुई, ये ट्रांजेक्शन अभी खत्म नहीं हुई। हाँ हमने इस ट्रांजेक्शन का यहां से यहां तक का हिस्सा हाईलाइट कर देते हैं आप लोगों के लिए, हमने इस ट्रांजेक्शन का यहां से यहां तक का जो हिस्सा है उसकी हमने एंट्री बना दी, उसकी हमने ये एंट्री बना दी, लेकिन अभी इस जो ये साइड है कॉस्टिंग, इसकी भी हमने एंट्री बनानी है, सही? तो इसको जरा मैं आर्पिट कर देता हूँ, आपने सामान खाते में बेचा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया, और उससे आपकी रेवेन्यू बढ़ी, तो आपने रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज ऑलवेज क्रेडिटेड। सर कहाँ लिखा है? अकाउंटिंग रूल्स में लिखा है, तभी मैं कह रहा हूँ आपने इनको रैंक मशीन करना है, इंक्रीज इन रेवेन्यू को इंक्रीज इन सेल्स को एक ही बात है, सही? तो वो क्रेडिट में इंक्रीज होगा और डेबिट में डिक्रीज होगा, सर समझ गया, यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमने इसको जरा समझना है, देखिए आपने परचेजेस की थी, ट्रांजेक्शन नंबर 2 में आ जाइए, आपने 30,000 का सामान खरीदा था, उस 30,000 में से अभी आपके पास 19,000 का जो सामान था आपने उसको बेच दिया, उस 30,000 में से आपने 19,000 का सामान बेच दिया, सही है? ओके, तो जो सामान आपने अभी बेचा है, सही है, उसको बेचने की कॉस्ट थी, उसको बेचने की कॉस्ट थी। मैं एक एंट्री बनाता हूँ, उस एंट्री को बनाने के बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ, तो आप लोगों को फर्दर क्लियर हो जाएगा। सर मैंने ये एंट्री बना दी, जो सेकंड पार्ट था उसकी एंट्री मैंने बना दी, सर इस एंट्री को जरा एक्सप्लेन करें, अभी कर देता हूँ। देखिए जब आप कोई सामान बेच देते हैं, यानी आप पहले आप एक सामान खरीद के लाए थे 30,000 तक का सामान, उसमें से आपने 19,000 को बेच दिया, जब आपने 19,000 को बेच दिया तो जो 19,000 तक का जो सामान था अभी वो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हट चुका, अभी वो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हट चुका,
सही है, क्योंकि आपने 19,000 तक की कॉस्ट का सामान खरीदा था, सही है, क्योंकि आपने 19,000 तक की कॉस्ट का सामान खरीदा था, और कॉस्ट क्या है, एक एक्सपेंस है, सही है, कॉस्ट क्या है, एक्सपेंस है, आप सामान जो बेचेंगे, सही है, वो आपने 12 महीने के अंदर अंदर बेचना है, जो स्टॉक का जो सामान होता है, जो मर्चेंडाइज होता है, वो आपने 12 महीने के अंदर अंदर बेचना होता है ना, कोशिश करते हैं आप 12 महीने के अंदर बेचे, तभी मैंने आप लोगों को समझाया था, जो स्टॉक होता है इसको हम हमेशा करंट एसेट कहते हैं, सही है। अगर लेक्चर नंबर 1 को रिकॉल करें और लेक्चर नंबर 2 को रिकॉल करें, मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि दूध वाला हमेशा कोशिश कर रहा होता है कि वो दूध जल्द जल्द बेचे, अपना सामान जल्द जल्द बेचे, अगर वो अपना सामान जल्द जल्द नहीं बेचेगा तो वो खराब हो जाएगा, या फिर वो आउट ऑफ डेट हो जाएगा, या फिर मतलब वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, इस तरह के केसेस हो रहे होते हैं, सही। तो इन द सेम केस जो आपको जो सामान है जब आपने उसको बेचना है, सही, तो आपने खरीदा था 19,000 का, जब आपने बेचा जो एसेट था वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, जो एसेट था वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, सही। तो जब वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हुआ, हमने उसमें क्या दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹19,000। हमें क्लियर नहीं हो रहा अभी भी आप क्या समझा रहे हैं, अगर क्लियर नहीं हो रहा है टेंशन ना लो, फॉर द टाइमिंग अच्छा उसको याद कर लो, लेकिन आप लोगों को समझना भी जरूरी है, वक्त के साथ साथ आपको और क्लियर होता चला जाएगा, अगर यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई तो इंशाल्लाह आगे भी क्लियर हो जाएगा, सही है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, 30,000 का सामान था, उस 30,000 में से आपने 19,000 का बेच दिया, 19,000 का सामान जब आपने बेच दिया तो आपने जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट थी, सही है, वो कॉस्ट एक एक्सपेंस था, एसेट जो था आपके पास मर्चेंडाइज वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, तभी मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 19,000 डेबिट, और चूंकि वो एसेट जो मर्चेंडाइज आप लाए थे 19,000 तक का, अब वो नहीं रहा, तो आपने मर्चेंडाइज को क्रेडिट कर दिया, तो आपने मर्चेंडाइज को क्रेडिट कर दिया। आपको एक और बात मैं रिकॉल कराता चलू, मैंने अपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर एक बात समझाई थी कि प्रैक्टिकली लोग परचेजेस नहीं लिखते, लोग लिख देते हैं मर्चेंडाइज, क्योंकि आप सामान खरीद के लाए हैं, मर्चेंडाइज एसेट है, और एसेट अगर इंक्रीज होता है तो भी वो डेबिट होता है, अगर एक्सपेंसिस भी इंक्रीज होता है तो भी वो डेबिट होता है, तो लोग मर्चेंडाइज को डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें मर्चेंडाइज 30,000 से बढ़ा था और बाद में मर्चेंडाइज 19,000 से कम हुआ, सॉरी हाँ, बाद में मर्चेंडाइज 19,000 से कम हुआ, तो आप जरा मुझे बताएं कि आपके पास अभी कितना सामान रह गया है, आप जरा मुझे बताएं कि आपके पास अभी कितना सामान रह गया, आपने सबसे पहले मर्चेंडाइज खरीदा था ₹30,000 का, उसमें से आपने ₹19,000 को सोल्ड कर दिया, अब कितना बच गया, 30 में से 19 बचा हटाए, तो आपके पास अभी जो पड़ा हुआ है बैलेंस 11,000 तक का सामान आपका आपके पास अभी पड़ा हुआ है। इस 11,000 तक के सामान को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, इस 11,000 तक के सामान को जो बचा है ना बैलेंस, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, यानी पूरा साल खत्म हुआ आपका इतना सामान बच गया, पूरा साल खत्म हुआ आपका इतना सामान बच गया, तो उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसको मैं नाम दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, यानी ये वो सामान है जो कभी तक नहीं बिका लेकिन बिक जाएगा अगले साल, क्लियर। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है अभी भी तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप भी समझ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन कोई डरने की बात नहीं इसमें। ट्रांजेक्शन नंबर 5, मिस्टर जहीर विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 के अंदर दो बातें क्लियर करवाई थी कि जब भी मालिक जब भी ऑनर अपने बिजनेस में से कोई चीज निकाल के अपने पर्सनल यूज में इस्तेमाल करेगा उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे ड्रॉइंग। सर कहाँ लिखा था, आ जाइए मुझे याद है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये रहा ड्रॉइंग। तो इन अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस और इन अ पार्टनरशिप द ऑनर ऑफ द बिजनेस यूज एंटिटी एसेट फॉर इट ऑन यूज फॉर इट ऑन यूज फॉर इट पर्सनल यूज व्हिच इज कॉल्ड ड्रॉइंग ऑनर विड्रॉ कैश from entity bank account for personal use, इसे हम ड्राइंग कहते हैं, सही। तो इसकी सर एंट्री क्या बनेगी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ड्राइंग होती है ना, ड्राइंग इंक्रीज हुआ,
और इंक्रीज को हमेशा क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। इंक्रीज को हमेशा क्या कहते हैं हम लोग, डेबिट। और ऑनर ने अपने बिजनेस में से कैश निकाला। तो जो बिजनेस, देखिए मैंने आप लोगों को सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने कहा था ऑनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। तो हम जो ये ट्रांजेक्शन बना रहे, जो हम सारी लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस के माइंडसेट से कर रहे हैं, हम लोग ऑनर के माइंडसेट से नहीं कर रहे, हम लोग ऑनर की ट्रांजेक्शन नहीं बना रहे, हम लोग बिजनेस की ट्रांजेक्शन बना रहे। इस बात को हम लोग जहन नशीन कर ले, तो बताया एंट्री क्या बनेगी। अब बिजनेस देख रहा है, ये बिजनेस है, ये ऑनर है, बिजनेस देख रहा है कि ऑनर ने मुझसे पैसे ले लिए, ऑनर ने मुझसे पैसे ले लिए। तो बिजनेस कह रहा है कि मेरे पास कैश कम हुआ, मेरे पास कैश कम हुआ, और चूंकि वो पैसा ऑनर ने निकाला है, चूंकि वो कैश ऑनर ने निकाला है, 12,000 रुपए ऑनर ने निकाले हैं, सही। तो जब ऑनर कोई पैसा निकालता है तो उसको मैं क्या नाम दूंगा, ड्रॉइंग। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग डेबिट, ड्रॉइंग रुपीज 12,000 डेबिट और कैश रुपीज 12,000 क्रेडिट, सही। तो ये एंट्री यहीं पे खत्म हो गई। अच्छा सर, ड्रॉइंग ड्रॉइंग रूल अकाउंटिंग रूल में लिखा था ड्रॉइंग के बारे में? जी बेटा लिखा था आपने, इंक्रीज इन ड्रॉइंग डेबिटेड, डिक्रीज इन ड्रॉइंग क्रेडिटेड। सर हमें कंफ्यूजन हो रही है। सर क्या कंफ्यूजन हो रही है आपको? सर ये कैपिटल क्या है, सर ये ड्रॉइंग क्या है, हम आपको अभी क्लियर करा देते हैं। जब भी ऑनर अपने बिजनेस में पैसे डालेगा, जब भी ऑनर अपने बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, जब भी ऑनर अपने जेब से कुछ चीज निकाल के बिजनेस में डालेगा, तो बिजनेस कहेगा कि मेरे मालिक ने मुझे ये चीज दी है, तो ये मेरे लिए क्या है, कैपिटल। और जब बिजनेस देखेगा कि ऑनर सामान निकलवा रहा है, तो बिजनेस कहेगा ये है ड्रॉइंग। तो हमेशा याद रख लीजिए, इंक्रीज इन कैपिटल होता है क्रेडिट, और डिक्रीज इन कैपिटल कब होगा, जब आप ड्रॉइंग करेंगे, जब ऑनर ड्रॉइंग करेगा, सही है। तो सर हम पे कैपिटल को डेबिट क्यों नहीं करते, जब इंक्रीज इन कैपिटल हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन जब डिक्रीज इन कैपिटल हो रहा है और कैपिटल जो ऑनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया उसी को वापस निकाल रहा है बाहर, तो मैं कैपिटल को डेबिट क्यों नहीं करता? बेटा आप कर रहे हो डेबिट, आप कर रहे हो डेबिट, बस आपने नाम चेंज कर दिया है। अगर आप लोगों में देखा जो ये ड्रॉइंग है, ये एक किस्म से कैपिटल ही डेबिट हुआ है, सही है, लेकिन इसका नाम मैंने चेंज करके ड्रॉइंग लिख दिया, ये कैपिटल ही डेबिट हुआ है। यहाँ पे मैंने नाम चेंज करके ड्रॉइंग लिख दिया। सर नाम क्यों चेंज करके लिखा? बेटा अगर मैं हर चीज को सेम सेम नाम दूंगा तो अकाउंटिंग की दुनिया में लोग कंफ्यूज जाएंगे, सही है। कैपिटल के बेसिक मायने है इन्वेस्टिंग, पैसा देना, कोई चीज प्रोवाइड करना जिससे कुछ चल पाए, बिजनेस चल पाए। ड्रॉइंग के मायने है पैसा निकालना। तो जब कैपिटल कम हुआ मैंने कह दिया कि क्या है, ये ड्रॉइंग है। आपने कैपिटल डेबिट क्यों नहीं किया? मैं कैपिटल क्रेडिट भी कर रहा हूँ, मैं कैपिटल डेबिट भी कर रहा हूँ, तो ये मुतरादिफ बयान हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएगी। सिंपल ये याद रख लीजिए, सिंपल ये याद रख लीजिए कि इंक्रीज इन कैपिटल, जब भी ऑनर कुछ इन्वेस्ट करेगा आपने उसको कैपिटल कहना है, और जो और जब ऑनर कुछ निकालेगा बिजनेस से आपने उसको ड्रॉइंग कहना है, सही। मैं आपको लोगों को डिटेल में इस वजह से समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जैसे हम आगे मूव ऑन करेंगे तो आगे पे टफ सवाल आएंगे और टफ आएंगे। अगर आप लोगों की बेसिक अगर स्ट्रांग बन गई तो फिर जो आगे की क्लासेस में होंगी उसके अंदर फिर मेरी टेंशन कम हो जाएगी कि भाई मेरे स्टूडेंट्स को फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रांग है, सही। अब आ जाते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 6 पे, पेड सैलरीज। क्या लिखा है? पेड सैलरीज, बस सर ने उसे पेड सैलरीज लिखा है, यानी इन्होंने सैलरी पे की है, यानी इन्होंने सैलरी पे की है। किसने पे की है, कैश में या अकाउंट में? जब उन्होंने पेड लिखा है तो पेड क्या है, पेड इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और पेड का मतलब यह है कि आप दे चुके। पेड के उर्दू में मानी क्या है, आप दे चुके, यानी आपने सैलरी कैश में दी। तो आप लोगों ने क्या किया है, सैलरी दी है, सैलरी अपने मुलाजमीन को दी है, सैलरी अपने एम्प्लॉयज को दी है,
सैलरी एक्सपेंस से, सैलरी एक्सपेंस से इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड, तो सैलरी मैंने नाम चेंज कर दिया एक्सपेंस का, सैलरी एक्सपेंस रुपीज 8000 डेबिटेड। और क्योंकि मैंने कैश दिया है, कैश में पेमेंट की है, तो कैश एसेट है, एसेट कम हुआ, जब एसेट कम होता है डिक्रीज इन एसेट होता है, वो डिक्रीज इन एसेट क्या होगा क्रेडिट। तो कैश रुपीज 8000 क्रेडिट। हो सकता है आपने बैंक से पेमेंट की हो, तो आप कैश की जगह यहाँ से हटा के पैन लिख दीजिएगा, सही, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अब लास्ट रह गया पेड टू क्रेडिटर्स। सर हुआ क्रेडिटर्स, बेटा क्रेडिटर्स का मतलब वो है वो लोग जिनसे आपने उधार पे सामान खरीदा था, क्रेडिटर्स का मतलब वो है जिनसे आपने उधार पे सामान खरीदा था। सर और एक्सप्लेन करें, इसका मतलब ये है कि ये लोग कह रहे अकाउंट पेबल, जिनसे आपने अकाउंट, जिसको आपने अकाउंट पेबल कहा था, जिसको आपने ट्रेड क्रेडिटर कहा था। यानी हम जरा इसको पैसे रिकॉल करा के चलते हैं कि आ जाइए, जो हमने सामान ऊपर खरीदा था 30,000 का ऑन अकाउंट, उस 30,000 में से मैं अभी कितने देने जा रहा हूँ 10। यानी जो सामान मैंने उधार पे खरीदा था उस उधार पे सामान में से अभी मैं 10,000 पे करने जा रहा हूँ। जब जो चीज मैंने उधार पे खरीदी है, सही, वो एक कर्ज है, और मेरे पास कर्ज कितने का था 30,000 का, 30,000 में से मैं 10,000 दे रहा हूँ, यानी 10,000 से मेरा कर्ज कम हो जाएगा, 10,000 से मेरा कर्ज कम हो जाएगा, तो ये क्या होगा डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये क्या होगा डिक्रीज इन लायबिलिटी। और डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है डेबिट, सही। तो सबसे पहले मैं ये करा देता हूँ कि भाई जिस लायबिलिटी की लोग बात कर रहे हैं उस लायबिलिटी को मैंने क्या कहा था अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल मैंने 30,000 से क्रेडिट किया था, उसी अकाउंट पेबल को मैं रुपीस 10,000 से डेबिट कर दूंगा, कम कर दूंगा। अब चूंकि मैंने पेमेंट की है तो पेमेंट तो कैश में की होगी, बैंक के थ्रू की होगी, तो वो दोनों तो एसेट ही है ना, तो जब एसेट डिक्रीज होता है क्रेडिट कर देते हैं, बैंक रुपीस 10,000 क्रेडिट। अगर आपने बैंक के थ्रू की तो बैंक लिख दीजिएगा, अगर आप लोगों ने कैश की थ्रू की तो कैश लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज याद रख लीजिए, अगर हम पैसे करते हैं, आपका अकाउंट पेबल स्टार्टिंग में कितना था, आपने कितने का सामान खरीदा था उधार पे, आपका अकाउंट पेबल स्टार्टिंग में कितना था, आपने कितने का सामान खरीदा था उधार पे। सर मैंने 30,000 का सामान खरीदा था उधार पे, सर मैंने 30,000 का सामान खरीदा था उधार पे, मर्चेंडाइज 30,000 का खरीदा था, अब उस 30,000 में से मैंने 10,000 दे दिए, तो अब मुझे कितने देने होंगे, अभी आपने और देने हैं 20,000। तो नहीं, ये जो है जो 20,000 आपने अभी देने हैं, जो 20,000 रुपये आपने अभी देने हैं, इसको मैं क्या कहूँगा क्लोजिंग बैलेंस, इसको मैं क्या कहूँगा क्लोजिंग बैलेंस। जब पूरा साल ख़त्म हो जाए, जब पूरे 12 महीने गुजर जाए, जब पूरे 12 महीने गुजर जाए, सही है, हर बिजनेस का एक अकाउंटिंग ईयर होता है, शायद मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं दिया, मैं दे देता हूँ आज ही की क्लास में, हर बिजनेस का आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूँ आप लोग नोट कर लीजिए, सही है, मैं टाइप भी करवा दूंगा। हर बिजनेस का एक अकाउंटिंग ईयर होता है। सर अकाउंटिंग ईयर का क्या मतलब, चले अकाउंटिंग को साइड पे कर दे, ईयर का मतलब तो आप जानते हैं ना, ईयर का मतलब क्या 12 महीने, ईयर का मतलब क्या 12 महीने। तो जब भी कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके बिजनेस के भी 12 महीने होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें ट्रांजेक्शन हो रही होती है, और जब वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है उसका जो आखिरी तारीख होती है, सही है, आखिरी तारीख पे जो बैलेंस पड़ा होता है ना उसे हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस, उसे हम क्या कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो ये क्या हुआ क्लोजिंग बैलेंस। सर हमें क्लियर नहीं हुई, टेंशन नहीं,
अभी हमने पढ़ना है, बहुत चीजें पढ़नी है। मैंने आप लोगों को एडवांस है कि चीज अभी से ही बता दी सर हमें क्लियर हो गया माशाल्लाह, आप क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ तो टेंशन नहीं, व्हाट्सएप नंबर मेरा मौजूद ही है, मेरा ऊपर भी मैंने लिखा होता है, ये मेरा नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर अभी क्वेश्चन टू कौन करेगा? आप करेंगे, मैं बैठ कर आपको लोग टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई मार लीजिए, जो भी समझ आता है जो भी आता है वो लिख लीजिए। सही, क्वेश्चन टू थोड़ा टफ है, इसके अंदर न्यू कॉन्सेप्ट और मौजूद है, टाइम देता हूँ, स्टार्ट हो जाइए। मैं देख रहा हूँ आप लोग करिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो बुरी बात है, कुछ तो समझ आ जाना चाहिए, कुछ तो आपको ट्रांजेक्शन समझ आ रही होगी। चले अगर 2-3 नहीं आ रही ओके है, लेकिन कुछ तो आ रही होगी ना। करे करे, मैं वेट कर रहा हूँ, मसला नहीं है। हालांकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर ही होगा, लेकिन कायदा मैं आपको फील करवा रहा हूँ कि आप एक लाइव लेक्चर ही ले रहे हैं। ट्राई मारते जाइए, एक करें। अगर आप लोगों की रिविजन स्ट्रांग होगी, अगर आप लोगों ने रिविजन की होगी तो आपको यहाँ से अच्छे खासे तो आप लोगों ने ट्रांजेक्शन सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, ये सवाल मैं भी सॉल्व कराऊंगा। अभी चले, अब आप लोगों में तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने वीडियो पॉज की होगी मेरी, और उन्होंने सवाल खुद से ट्राई मारा होगा, फिर उन्होंने वीडियो ऑन की होगी। मैंने आपको तो रिकॉर्डिंग करने के टाइम दे दिया, कम टाइम दिया जानता हूँ, लेकिन अच्छे स्टूडेंट ने वीडियो पॉज की होगी और खुद से ट्राई मारा होगा। तो खैर है, दोनों साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। लेकिन ये लेक्चर, आज का लेक्चर एंड हो तो आप लोगों ने फिर से तमाम डॉक्यूमेंट रिवाइज करना। सही, चले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर शाहिद कमेंट्स आर बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹270। ऊपर कौन था? ऊपर था जहीर भाई, ऊपर जहीर भाई पैसे लाए थे, नीचे कौन है? शाहिद है। सेम एंट्री बनेगी, कोई न्यू बात नहीं, सिंपल थी एंट्री। तो क्या होगा यहाँ पे? शाहिद लाया है कैश, कैश रुपीज 2,70,000 डेबिट। शाहिद ऑनर है, तो ऑनर जो भी चीज लाएगा वो कैपिटल, कैपिटल उसे हम कहेंगे। शाहिद ऑनर है और ऑनर जो भी चीज लाएगा उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल। और कैपिटल इंक्रीज अब होता है उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिट। परचेज 3 इक्विपमेंट ऑन अकाउंट ₹74,000। आपने 3 इक्विपमेंट खरीदी है 74,000 की, ऑन अकाउंट खरीदी है। सही है, ऊपर हम देखें तो ऊपर हमने इक्विपमेंट खरीदी ऑन कैश, यहाँ पे ऑन अकाउंट, तो बना लेता हूँ एंट्री, टेंशन नहीं है। इक्विपमेंट खरीदी ना एसेट है, तो एसेट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। अब आपने ऑन अकाउंट खरीदी है, देखिए आपने ऑन अकाउंट खरीदी है। अब आप लोग यही समझे कि मेरा जो कारोबार है वो इक्विपमेंट का नहीं है। जो यहाँ पे मेरा कारोबार इक्विपमेंट का नहीं है। जब मैं कोई ऐसी चीज खरीदता हूँ उधार पे, जब मैं कोई ऐसी चीज खरीदता हूँ उधार पे जो कि मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से मतलब सारा पर्टेन नहीं कर रहा, इसको मैं ट्रेड नहीं कर रहा, इसको मैं बेचता नहीं हूँ,
कोई चीज मैं खरीदूं उधार पे जिसको मैं बाद में बेचूंगा, उसको मैं बेचता रहता हूँ, रेगुलरली बेचता रहता हूँ, उसको तो मैं अकाउंट पेबल कहूँगा, उस लाइबिलिटी को मैं अकाउंट पेबल कहता हूँ, उस लाइबिलिटी को मैं ट्रेड क्रेडिट्स कहता हूँ, सही है। लेकिन जब मैं कोई ऐसी चीज खरीदता हूँ उधार पे जिसको मैं रोजाना नहीं बेचता, तो उसको मैं अकाउंट पेबल का नाम नहीं दूंगा, सही है। अब चूंकि ये मैंने खरीदा है उधार पे खरीदा है, तो इसका भी तो कोई ना कोई नाम दूंगा, ये भी लाइबिलिटी है, इसको कोई ना कोई नाम मैं नाम दूंगा, सही। तो पेबल मैं खुद से नाम बना लेता हूँ, पेबल फॉर इक्विपमेंट, भाई जो मैंने सामान खरीदा है इक्विपमेंट ना, उसके मैंने पैसे देने, मैंने पेबल लिख दिया ₹74। सर क्या हम खुद से नाम बना के लिख सकते हैं? नहीं 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 उससे नहीं लिख सकते नाम, अगर आप लिखना चाहते हो तो प्रॉपर लिखो, वो शॉर्ट नाम हो। अब मुझे और कुछ नाम समझ नहीं आ रहा था तो मैंने पेबल फॉर इक्विपमेंट लिख दिया, अगर आपको इससे कुछ शॉर्ट समझ में आ रहा है गुड लिख दीजिए, सही। क्योंकि ये लाइबिलिटी थी तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट, ये लाइबिलिटी थी लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अच्छा जो ट्रांजेक्शन नंबर 3 है ये थोड़ा आपने आप लोगों को समझाना होगा, तो फिलहाल इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ये मैं आज ही क्लास में समझाऊंगा, लेकिन बाकी सारी ट्रांजेक्शन हम कर लें उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, सही। तो फिलहाल ट्रांजेक्शन नंबर 4 पे आ जाइए, सोल्ड गुड्स टू कस्टमर। देखो यहाँ पे उन्होंने आपको कॉस्ट नहीं बताया हुआ, जिस तरह आपको ऊपर कॉस्ट बताया था ना ये 19,000, इसकी आपने 2 एंट्री बनाई थी, अब यहाँ पे आपको नहीं बताया हुआ, जब आपको नहीं बताया हुआ तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, जब आपको नहीं बताया तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो आपने सर यहाँ पे कौन सी एंट्री पे बनानी होगी? पहले वाली ही एंट्री बनानी होगी आपने, फिर यहाँ पे पहले वाली ही एंट्री बनानी होगी, सिर्फ सोल की बनानी होगी, सही है। और अब यहाँ पे कुछ ये भी नहीं लिखा कि आपने ऑन अकाउंट पे बेचा है कि नहीं बेचा, जब कुछ नहीं लिखा तो आपने अज्यूम करना है आपने कैश पे बेचा है, तो आप लोगों ने देखा मैंने सामान बेचा कैश पे अज्यूम किया बेचा, तो कैश आया और सेल मेरी बढ़ी, तो जब मेरी सेल बढ़ी मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, गुड रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। ओहो ये मजेदार एंट्री आ गई, यानी जो आपने ऊपर सामान बेचा 37,400 का, उस 37,400 में से आपके पास 2,400 का सामान वापस आया, कस्टमर ने कह दिया शायद खराब है, मुझे पसंद नहीं है, इतना गलत माल बेचा, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि भाई हमने सेल किया वो हमारे पास रिटर्न हुआ, हमने सेल किया वो हमारे पास रिटर्न हुआ, तो ये एक सेल रिटर्न की एंट्री है, सही है। ये क्या है? एक सेल रिटर्न की एंट्री है। सर जब सेल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, सही। जब सेल डिक्रीज होता है, जब रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, सही। तो सेल रिटर्न क्या? जो आपने सामान बेचा वो आपके पास रिटर्न हुआ, यानी वो सेल नहीं हुई, तो यहाँ पे मैं काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सेल को डेबिट कर देता हूँ, क्योंकि सेल मेरी कम हो गई। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि भाई जो सामान मैंने बेचा था 37,400 में से, उसमें से मेरे पास 2,400 वापस आया, कहीं 2,400 से मेरा जो सेल था वो कम हो गया, तो यहाँ पे मैं सेल डेबिट कर देता हूँ। लेकिन अकाउंटेंट ने कहा है कि आप सेल डेबिट ना करो, हमने इस ट्रांजेक्शन को एक नाम दे के रखा हुआ है, क्या? सेल रिटर्न। अकाउंटेंट कहते हैं कि आप उसको सेल रिटर्न ही डेबिट करें। अभी मैंने आप लोगों को जब रूल समझा रहा था वहां पे मैंने लिख दिया था कि इंक्रीज इन सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होगा, डिक्रीज इन सेल रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा, तो ये सेल रिटर्न थी, तो सेल रिटर्न जब इंक्रीज हुआ तो वो मैंने डेबिट करा दिया, कैसा समझ में आया?
कितने का था सामान? 2400 का। आप जब आपके पास आपने जब सामान वापस किया तो कस्टमर खाली हाथ थोड़ी जाएगा, वो कस्टमर आया यार आपने सामान ले लो खराब था, आपने सामान ले लिया अब वो आपसे कहेगा पैसे दे दो मेरे, तो आप उसको पैसे दे दोगे। या फिर दुकानदार वो आप अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आप कहोगे कुछ और खरीद ले, तो आप उसको उसके बदले में कुछ और दोगे। अब फिलहाल यहाँ पे हम सिंपलिसिटी के लिए ही अज्यूम करते हैं कि भाई हमने पैसे ही वापस कर दिए उसे, तो कैश रुपीस 2400 क्रेडिट कैश हमारे पास कम हुआ ना, नहीं जो हम जो हमें पहले कैश 37400 मिला था उसमें से हमने 2400 वापस कर दिए कस्टमर को, क्योंकि सेल रिटर्न हुआ था। उम्मीद करता हूँ लोगों को क्लियर हो रहा होगा क्योंकि अब ये ज्यादा मुश्किल नहीं, मुश्किल वाली एंट्री है मैं समझाऊंगा। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज सेम ये एंट्री जो हमने ऊपर सॉल्व की, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकाले, जब भी ऑनर बिजनेस से कोई चीज निकालेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग जब इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, डेबिट। पेड टू सप्लायर सेम, ऊपर पेड टू क्रेडिटर्स था, आप क्रेडिटर्स लिख दे, अकाउंट पेबल लिख दे, ट्रेड क्रेडिटर लिख दे, चाहे यहाँ पे आप सप्लायर लिख दे, एक ही बात है, क्या है, एक ही बात है, जब उन्होंने पेड लिखा है सही है, तो यानी एज्यूम ये करना कि आपने कैश नहीं पेमेंट किया, आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट किए, तो जो मेरी जो लाइबिलिटी थी वो कम हो गई, जो मेरी लाइबिलिटी थी वो कम हो गई। लेकिन सर हमने कौन सा सामान इनसे खरीदा है उधार पे, बेटा ऊपर देखो आपने ऊपर इक्विपमेंट खरीदा था उधार पे, तो आप जो फिर आपने उसके लिए पेबल फॉर इक्विपमेंट को क्रेडिट किया था, अब फिर उसी को आपने पे डेबिट करना है, जिस अकाउंट हेड का ऊपर इस्तेमाल कर लो उसी को आपने दोबारा इस्तेमाल करना है, एक बार जो नाम फिक्स कर लो उसी को आपने दोबारा इस्तेमाल करना है, अकाउंट हेड एक बार फिक्स होकर उसका नाम चेंज नहीं करना, अकाउंट हेड एक बार फिक्स होकर उसका नाम पे चेंज नहीं करना, फिर से अकाउंट हेड्स जब आपने एक बार फिक्स कर लिए उसका नाम पे आपने चेंज नहीं करना। मैंने 74,000 का सामान खरीदा था उधार पे, उसमें से 13,700 दे रहा हूँ, पेबल फॉर इक्विपमेंट जो लाइबिलिटी मेरी बड़ी थी अब वो 13,700 से कम हो गई, और जब लाइबिलिटी कम हो जाती है उसको मैं डेबिट करता हूँ। अब देखिए कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ₹15,800, अब उन्होंने ये एंट्री रैंडमली लिखी है, ये एंट्री उन्होंने भी एक रैंडमली एंट्री लिखी हुई है, सही है, जब उन्होंने एक रैंडम एंट्री लिखी हुई है कि आपको पैसे मिल गया कस्टमर से, तो शायद ये किसी एक ऐसी एंट्री की बात कर रहे हैं जो आपने उधार पे बेचा था, आपने किसी कस्टमर को सामान उधार पे बेचा था, लेकिन सर हमने जो ऊपर सामान बेचा हो तो कैश पे बेचा था, क्योंकि मैंने आप लोगों से अज्यूम करा ना, आपने अजम्पशन भी रखनी है, क्योंकि एक छोटा सा सवाल है, सवाल भी पूरे इनकम्प्लीट मतलब कम्प्लीट नहीं है, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप लोग करते जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज दिमाग में रखनी है, जब भी आपको कस्टमर पैसे वापस करेगा आपने किसी कस्टमर को, कहते मैं आप लोगों की आसानी कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन अकाउंट, आपने ऑन अकाउंट सामान बेचा था, तो फिर यहाँ पे आपके पास कैश नहीं आया, यहाँ पे आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का हेड खुल गया, सही। अब 37,400 का सामान आपने बेचा था, उस 37,400 में से आपके पास अभी 15,800 आ गए,
उस 37,400 में से आपके पास अभी 15,800 आ गए, पैसा आ गया, पैसा आया इंक्रीज इन एसेट हुआ, कैश है ना, कैश आया इंक्रीज इन एसेट, तो वो क्या होता है डेबिट, कैश रुपीस 15,800 डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल कितना तो आप देखें जो अकाउंट रिसीवर आपने बनाकर रखा हुआ था कि भाई ये पैसे मुझे मिलेंगे अकाउंट रिसीवर 37,400, तो 37,400 में से आपके पास कितने आए 15,800, यानी एक अकाउंट रिसीवर के हेड आपने खोल के रखा हुआ था ये पैसे मेरे पास आएंगे, ये 37,400 की जो अमाउंट है ये मुझे रिसीव होगी, वो उस 37,400 में से आपको 15,800 रिसीव हो गए, यानी अभी आपको कितने रिसीव होंगे 15,800 तो आपको रिसीव हो गए, जो बकाया बचे आपने रिसीव करने हैं, जो आपका अकाउंट रिसीवर का जो हेड था सही है जिसको आपने एसेट कहा था उसके अंदर डिडक्शन हुई, वो डिक्रीज हुआ, तभी मैंने उसको यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अगर आप लोगों को ये एंट्री क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बस ये याद रख लीजिए कि भाई मैंने बंदे से लेने थे 37,400 रुपये, उसने 15,800 दे दिए, यानी अकाउंट रिसीवर भी मेरा 37,400 नहीं कड़ा, अभी वो 37,400 से कम हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने पहले 37,400 लेने थे लेकिन अभी उसने 15,800 आपको दे दिए, तो फिर अभी आपने कितने लेने हैं, अभी आपने लेने हैं 21,600। देखिए मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था कि डेबिट में से हमेशा क्रेडिट माइनस होगा, मैंने आपको ये रूल समझाया था, ये डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ डेबिट माइनस क्रेडिट इक्वल टू जीरो, सही है, इसको भी याद रख लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब भी एंट्री बनाए, फॉर एग्जाम्पल इतना पहले आपने पैसे रिसीव करने थे, अभी आपको इस इतने पैसे में से 15,800 तो रिसीव हो गए, तो आपको चाहिए कि अभी आप 37,400 को जो डेबिट हुआ था उसको अभी क्रेडिट कर दे 15,800 से, ताकि जो आपके पास बैलेंस बचे वो 21,700 का ही आए। सर हमें क्लियर नहीं हो रहा सर, बेटे आपको क्या पता अभी क्लियर ना हो, लेकिन जब मैं आप लोगों को लेजर्स बना के दिखाऊंगा ना लेजर्स, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको इंशाल्लाह पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये याद कर लीजिए कि अकाउंट रिसीवेबल खड़ा किया था उसमें से अभी 15,800 मिल गया, तभी मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट था, वो एक ऐसा एसेट था जिसके अंदर मुझे 37,400 रिसीव होने थे, 15,800 मिल गए, तो अभी 21,600 मुझे रिसीव होंगे, तो जब भी मैं अकाउंट हेड भी खड़ा करूंगा जो मैं अकाउंट रिसीवेबल में शो करूंगा उसको मुझे पे 21,600 भी शो करना चाहिए ना, तो 21,600 भी तभी शो होगा जब मैं 15,800 को क्रेडिट कर दूंगा, और जब मैं इस डेबिट को, जब मैं इस डेबिट को माइनस कराऊंगा इस क्रेडिट से, तो आपके पास 21,600 ही आएगा, ये कन्वे कराना चाह रहा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट रिसीवेबल कम हुआ तो एसेट का एसेट कम हुआ, एसेट जब कम होता है क्रेडिट होता है, आप यूँ याद रख लीजिए। ट्रांजेक्शन नंबर 9, आपने बैंक से क्या लिया है लोन, मैंने बैंक से क्या लिया है लोन, बैंक ने मुझे पैसे दिए हैं, कर्जा दिया है बैंक ने, तो जब बैंक कर्जा देता है तो वही लाइबिलिटी होती है, और बैंक ने जब मुझे कर्जा दिया तो मेरे पास पैसे आए, तो मेरे पास पैसे तो आए हैं ना, मेरे पास मेरे बैंक में पैसे आए, तो बैंक तो एक एसेट है, कैश तो एक एसेट है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट इट, तो डेबिट कर दो, क्योंकि मेरे पास पैसे बैंक से आए हैं, बैंक अकाउंट में आए हैं, अज्यूम करता हूँ तो बैंक रुपीज 30,000 डेबिट, अब ये मेरी लाइबिलिटी है, मैंने पे करना है, तो लोन पेबल रुपीज 19,000 क्रेडिट, समझ गए, कोई मुश्किल नहीं था। अनपेड वेजेस आपने 7,200 रुपये अपने मुलाजमीन को देने हैं, ऊपर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने सैलरीज पेड की थी 8,000 की, पेमेंट कर दी थी, मतलब आप आए आपने कहा कि आ जाओ एम्प्लॉयज लोग अपने सैलरी ले जाओ, आपने उनको पेमेंट कर दी थी, लेकिन नीचे केस में वो कह रहा है कि आपने पेमेंट नहीं की, आपने अनपेड है अभी तक आपके, यानी आपने पेमेंट करनी है, आपके पास लाइबिलिटी है, तो
आपने अपने मुलाजिम को पैसे देने हैं, सही है। अगर आप पैसे नहीं देंगे मुलाजिम छोड़ के चले जाएंगे। लाइबिलिटी एक ऐसी ऑब्लिगेशन है, अगर आप नहीं फुलफिल करोगे तो आपको पड़ेंगे डंडे। तो अनपेड वेजेस आपने पे नहीं किए तो एक लाइबिलिटी है, सही है। और वेजेस, वेजेस कहूँ या मैं सैलरी कहूँ, ये एक एक्सपेंस है। तो सैलरी एक्सपेंस तो बढ़ा है मेरा, मैंने पे करना है ना। सर क्लियर नहीं हो रहा सर, मुझे क्लियर नहीं, आ जाते हैं क्लियर करा देते। आपको अक्रूअल अकाउंटिंग याद है ना, अक्रूअल अकाउंटिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। रेवेन्यू और इनकम शैल ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड एंड नॉट व्हेन इट इज रिसीव्ड। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर इनकर्ड एंड नॉट व्हेन दे आर पेड। सैलरी तो इस महीने की है ना, सैलरी तो इस महीने की है तो उसी महीने में रिकॉर्ड करोगे। वेजेस तो इसी महीने के है ना, उसी महीने में रिकॉर्ड करोगे। वेजेस तो इंक्रीज हुए, मतलब वेजेस इस महीने के उसी महीने में रिकॉर्ड करो, तो इंक्रीज इन वेजेस वो एक एक्सपेंस है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने वेजेस एक्सपेंस रुपीज 7,200 डेबिट कर दिया। और चूंकि अभी तक मैंने पे नहीं किया, मैंने पे करना है। अक्रूअल अकाउंटिंग क्या कहती है कि भाई एक्सपेंस अभी से रिकॉर्ड कर लो, चाहे आप पे बाद में करो। तो मैं बाद में पे करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी आनी चाहिए ना मुझे, तो यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी आनी चाहिए। मैं क्या लिखूंगा, वेजेस पेबल 7,200 क्रेडिट, सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी ट्रांजेक्शन हमारी हो गई है। अब से जो सिर्फ रह गया है वो ये ट्रांजेक्शन नंबर 3 रह गया, एडवांस एंड फॉर 6 मंथ्स रुपीज 13,000। आप एक घर में रहने के लिए गए, आपने मालिक मकान से कहा कि भाई मैं आपको 6 महीने का किराया अभी से दे देता हूँ, पर आप मुझसे 6 महीने तक किराया नहीं मांगेंगे। मालिक मकान तो खुश हुआ, मालिक मकान तो खुश हुआ, तो कह दिया दे दो, आपने दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस घर में 6 महीने तक बैठ के फायदा उठाओगे, आप उस घर में 6 महीने तक बैठ के फायदा उठाओगे। आपने पेमेंट कर दी, आपने एडवांस दे दिया, वो एडवांस आप 6 महीने तक यूटिलाइज करोगे, तो एडवांस का फायदा आपको 6 महीने तक मिलता रहेगा। तो एडवांस एक एसेट है। एसेट किस तरह, मैं पहले एंट्री बना देता हूँ, आप लोगों को फिर समझाता हूँ। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी पेमेंट आप वक्त से पहले कर देते हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी पेमेंट आपने नहीं की होती, लेट कर देते हो या बाद में कर देते हो, उसे हम क्या कहते हैं लाइबिलिटी। तो हम क्या कहते हैं लाइबिलिटी, इस तरह यहाँ पे वेजेस पेबल था, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन बताया वेजेस पेबल आपको समझाया। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप उनकी पेमेंट जल्दी कर देते हो, उसका फ़ायदा आप महीने भर तक लेते हो, तो वो एक एसेट है, तो वो एक एसेट है। अभी मैंने एडवांस में रेंट पे किया, या मैं इसको प्रीपेड रेंट भी कह सकता हूँ, मैं इसको एडवांस रेंट भी कह सकता हूँ, सही है। तो प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड जो भी मैं करता हूँ ट्रांजेक्शन, उसका फायदा मैं लूंगा महीने भर, सही है। जैसे एक महीना मेरा कंज्यूम कर लूंगा, इसी महीने के फायदे में उठा लूंगा, फिर उस महीने को मैं एक्सपेंस कर दूंगा। फिलहाल ये याद रख लीजिए, प्रीपेड जब आप ये जब किसी भी चीज़ की पेमेंट अगर आप एडवांस में करेंगे वो एक एसेट है, आपने एसेट को डेबिट कर दिया और कैश कम हुआ। अब 13,000 रुपये आपने 6 महीनों के लिए दिए ना, 13,000 रुपये आपने 6 महीनों के लिए दिए, तो 13,000 ÷ 6 जब मैंने किया, 13,000 जब मैं डिवाइड बाई 6 करता हूँ, तो मेरे पास आता है 2,167। यानी एक महीने का किराया मेरा 2,167 है। सपोज करते एक महीना गुजर गया,
एक महीना गुजर गया, यानी अब जो मेरा प्रीपेड बचा हुआ है वो 2167 से कम हो गया, यानी मैंने एक महीने का रेंट टेल एक्सपेंस कंज्यूम कर लिया। इसको मैं क्या अमाउंट लिखूंगा, 2167। टेंशन ना ले, मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ, आज ही क्लियर करूंगा। और एडवांस रेंट डैश प्रीपेड रेंट 2167। आप एक घर में रहने के लिए गए, आपने 6 महीनों का किराया 13,000 रुपये भर दिया, फिर आपने 13,000 को डिवाइड कर दिया 6 से कि भाई हर महीने का किराया इतना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी एसेट आप कंज्यूम कर ले एक्सपेंस बन जाता है, जब भी एसेट आप कंज्यूम कर ले एक्सपेंस बन जाता है, जब भी आप एसेट कंज्यूम कर ले वो एक क्या बन जाता है, वो एक एक्सपेंस बन जाता है। ये मैंने आपको लेक्चर 1 और 2 के अंदर बकायदा टाइप करके करवा के पढ़ाया था। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मैंने 6 महीनों का एसेट बुक कर लिया है, अब 6 महीनों में से 5 महीने अब रह गए, 1 महीना गुजर चुका, यानी मैं 1 महीने तक मजे ले चुका रहने के, सही है। तो जब मेरा 1 महीने का एसेट कंज्यूम हो गया, यूज हो गया, उस यूजेज को मैं कहता हूँ एक्सपेंस। एसेट जब भी यूज हो जाएगा वो मेरा एक्सपेंस बन जाएगा। यहाँ पे रेंट था, मैंने रेंट के लिए पैसे दिए थे, तो जब रेंट मैंने कंज्यूम कर लिया, एडवांस रेंट का मैंने 1 महीने कंज्यूम कर लिया, तो उसके ऊपर मैंने नाम क्या दे दिया, रेंटल एक्सपेंस। और जो मेरा एसेट बुक था 13,000 से वो 2167 से कम हो गया, यानी अब मैं कितने अमाउंट तक का फायदा उठा सकता हूँ। अब 10,884 तक की अमाउंट तक का मेरे पास बेनिफिट बचा हुआ है, यानी जैसे ही मेरे और महीने गुजरने लग जाएंगे मैं फिर से ये एंट्री बनाऊंगा, दूसरे महीने भी, मैं तीसरे महीने भी ये एंट्री बनाऊंगा। कहना ये चाह रहा हूं, एसेट जब भी यूज होगा, एसेट की यूजेज को हम एक्सपेंस कहते हैं। सर और एग्जाम्पल ले, जिस तरह ऊपर मैंने मर्चेंडाइज खरीदा था ऑन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह मैंने 30,000 का मर्चेंडाइज खरीदा था, अब वो मर्चेंडाइज जब मैं बेच चुका तो मुझे फायदा मिल गया, जब मैं बेच चुका मुझे रेवेन्यू मिल गया। देखे ना, मैंने नीचे भेजा था आप लोगों के लिए, जब मैं बेच चुका तो मुझे रेवेन्यू मिल गया, तो उस जो बेचने को मैंने एक्सपेंस में बुक कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज क्रेडिट। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ लोगों को क्लियर हो गया होगा, नहीं भी क्लियर हो तो इंशाल्लाह हो जाएगा, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। और तो और अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोग लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करा सकते हैं। मेरी फीसेस काफ़ी नॉमिनल है, और मैं इसके अलावा क्या क्या पढ़ाता हूँ, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ACCA के सब्जेक्ट्स स्किल्स लेवल तक मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ा रहा होता हूँ, सही है। और CA के लेवल से भी मैं सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड। खैर ये बातें साइड पे, क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।